Hello students in this video we are going to discuss the exercise part of topic cell division selena icse 2000 ICSE class 10th. The number of chromosomes in a certain type of cell division is halved. This kind of cell division occurs in both ovaries and testes. So the correct answer is part c. In which of the following option? the two stages of mitosis have been given in correct sequence. the correct sequence is p, mat. so prophase, metaphase, anaphase, telophase. so here the correct answer is anaphase and telophase. the next question is, synthesis phase in the cell cycle is called so far due to uh, duplication of dna. the phases of g1 phase, s phase or g2 phase, एस फेस पर डीएनए का सिंथेसिस होता है सो द करेक्ट आंसर इज पार्ट सी इमेजिन वन सेल ए एज़ अंडरगॉन वन माइटोटिक डिवीजन एंड अनदर सेल बी हैज़ कम्पलीटेड इट्स मीओटिक डिवीजन हाउ मेनी सेल्स वुड द टू प्रोड्यूस सेल ए विल प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स एंड सेल बी प्रोड्यूस फोर डॉटर सेल नो मेट द कॉलम क्रोमोसोम्स गेट अरेन्ज्ड इन होरिजेंटल प्लेन एट इक्वेटर द करेक्ट आंसर इज मेटाफेस सेकेंड इज डॉटर क्रोमोसोम मूव टू द अपोजिट पोल टू अ अंडल दैट इज एनाफेस अब यहां पर आपको चीजें समझने की जरूरत है क्रोमोसोम वर्ड होता है मेटाफेस पे डॉटर क्रोमोसोम टर्म यूज करते हैं हम एनाफेस पे क्रोमोसोम बिकम विजिबल एज फाइन लॉन्ग थ्रेड दैट इज अ प्रोफेस क्रोमोसोम लूज यर डिस्टिंक्टिवनेस एंड अ क्रोमैटन नेटवर्क यानी कि वापस वो नेटवर्क बन जाता है मटेरियल बन जाता है दैट इज पार्ट डी दैट इज टेलोफेस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स माइटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल सो व्हाट इज सोमैटिक सेल सोमैटिक सेल एट द सेल विच कंसिस्ट ऑफ जनरल बॉडी सेल्स लाइक योर सेल्स ऑफ योर स्किन हेयर आई नोज, यहाँ क्या होता है माइटोसिस करेक्ट आंसर इज हेयर प्रोड्यूसिस करेक्ट आंसर इज फोर म्योसिस अकर्स ओनली इन सेक्स सेल्स जेनेटिक सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स मॉडर्न ह्यूमन हैव फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम्स

वन फ्रॉम ईच पेरेंट विच इज अ आइडेंटिकल क्रोमोसोम। द डैश आर सराउंडेड बाय रेडिएटिंग रेस एंड टर्म्ड एज एस्टर द देंट्रियोल इज सराउंडेड बाय रेडिएटिंग रेस एंड इट इज नोन एज एस्टर रेस स्टेट द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिड। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्रोमोसोम एंड क्रोमेटेड में क्या डिफरेंस है क्रोमोसोम इज अ स्ट्रक्चर एक मिनट मैं इसमें देखती हूँ कि मुझे कलर दूसरा मिले सो देखिए दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम विच कंसिस्ट ऑफ डी एन ए एंड क्रोमैटेड इज प्रेजेंट इन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम द द्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमैटेड next question is what is the difference between centrosome and centromere centrosome this is the animal cell this is the nucleus of animal cell in animal cell a dot like structure or a cell organelle is present near the nucleus in animal cell that is called centrosome which consists of two centrioles and centromere is a point where two duplicated सॉरी वे आर द टू सिस्टर आर्टेट्स आर अटैच्ड दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टर एंड स्पिंडर फाइबर सो एस्टर और स्पिंडल फाइबर में क्या डिफरेंस है एस्टर रेज होते हैं इन एनिमल सेल एंड स्पेंडर फाइबर इज प्रेजेंट बोथ इन एनिमल सेल एंड प्लाट्स सेल एस्टर रेज आर द रेज एट द एंड ऑफ सेंट्रियोल

Haploid cell is a cell which consists of n number of chromosomes. Diploid is a cell which consists of two n number of chromosomes. All somatic cells are diploid, and all genetic cells are haploid. Move to next question. First meiotic division is the reduction division. What does the word reduction refer here? Reduction division means the number of chromosome reduced to half in meiosis or meiotic division the number of chromosome reduced to half that's why it is known as reduction division gametes must be produced by meiosis for sexual reproduction why is it so this is a very important question and in this particular question what you need to take care that gametes are haploid in nature so when two gametes like sperm and ovum combine together they form diploid zygote so to maintain the ploidy of a zygote bo all, both the gametes are haploid in nature next question is true false as you grow from childhood to adulthood your skin divide only to replace such cells that are lost from the surface no cell ki growth ke liye bhi, uh, cell divide karte so this is a false statement the unfertilized human egg has half the number of chromosome ऑफ़ द बॉडी सेल्स यस अनफर्टिलाइज ह्यूमन एक्स सेल के अंदर हैप्लॉयड नंबर ऑफ प्रोमोसोम होते हैं और जनरल बॉडी सेल्स के अंदर डिप्लॉयड होता है तो वो हाफ ही होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन अमाइटोटिकली डिवाइडिंग सेल रिमेन इंटैक्ट अप टू द मेटाफेस नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये भी फॉल्स है आपका और ये ट्रू है न्यूक्लियर मेमब्रेन प्रोफेस पर ही खत्म हो जाती है या डिसपियर हो जाती है माइटोटिक सेल डिवीजन कैन बी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यस माइटोटिक सेल डिवीजन कुड बी अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन क्रोमाटि कैन अकर ओनली बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है क्रॉसिंग ओवर बिटवीन क्रोमाटिड्स कैन अकर ओनली बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसम इसमें यहाँ पर आपको ये मैंशन करना जरूरी है कि वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिट्स के बीच में होता है तो उस टर्म्स में ये उस टर्म में ये गलत है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर सिस्टर क्रोमैटिक्स के बीच में नहीं होता नॉन सिस्टर क्रोमैटिक्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के केस में होता है सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट अ स्टेज ड्यूरिंग अ सेल डिविजन स्टडी द सेम एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं स्पेशली ये यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन दिखा रखा है इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन एनाफेस पर ही शुरू हो जाता है लेकिन डिस्टिंक्टिवली क्लियर होता है हमको टेलोफेस पर तो उसको कन्फ्यूज नहीं करना है दिस आपको कंफ्यूजन हो सकता है पार्ट वन में सेंट्रियोल लिखना है या एस्टरेज तो बहुत स्पेसिफिकली देख लीजिएगा कि क्या पूछा गया है एस्टरेज भी पूछा जा सकता है यदि रेस पर है और डॉट पर है तो वो सेंट्रियोल ही होगा पार्ट टू इज स्पिंडल फाइबर एंड पार्ट थ्री इज यहां पे गड़बड़ करेंगे ये क्रोमोसोम नहीं है या तो इसको आप डॉटर क्रोमोसोम्स लिखेंगे या तो आप इसको क्रोमैटेट लिखेंगे फिर भी प्रेफरेबली आप इसको डॉटर क्रोमोसोम ही लिखिए पार्ट थ्री को द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द अबव स्टेज दिस इज द रीजन बिहाइंड इट

क्रोमोसोम आर देयर यू विल ड्रॉ फोर क्रोमोसोम एट द सेंटर ड्रॉ सेंट्रियोल देन ड्रॉ एस्टर ड्रॉ स्पिडल फाइबर और इसके अलावा कोई और लेबलिंग भी रिक्वायर्ड नहीं है ट्रॉल लेबल डायग्राम टू शो द मेटाफे स्टेज ऑफ माइटोसिस इन एनिमल सेल हैविंग सिक्स क्रोमोसोम तो यहाँ पे हमको दो तो तीन चीज़ें याद रखनी है पहला क्वेश्चन में हमारे हमें क्या दिया हुआ है कि स्टेज क्या है मेटाफेस तो इक्वेटर पे होना चाहिए दूसरा स्टेज क्वेश्चन क्लू दिया हुआ है सिक्स क्रोमोसोम। सो देयर मस्ट बी सिक्स क्रोमोसोम ओनली थोड़ा स्पेस कम पड़ गया एंड इट शुड बी अ एनिमल सेल सो इट शुड बी इन अ स्फरिकल शेप देन यू विल ड्रॉ centriole, देन एस्टर रेस एंड देन spindle फाइबर Okay. Next question is the diagram given below represents a certain phenomenon which occurred during meiosis. Neiman explained the phenomenon by using the term homologous chromosome, chromatids, and crossing over. Crossing over is the phenomenon of exchange of genes between two non-sister chromatids of homologous chromosome given below is a diagram representing a stage during mitotic cell division in an animal cell examine it clearly, carefully and answer the following question identify the stage here the identification is done with the help of this dotted line that is a nuclear membrane name the cell organally uh, that uh, so what is the reason behind it because nuclear membrane is disappearing name the cell organally that form the ester it is a centriole name the part label 1 2 3 part 1 is chromosome part 2 is part 1 is sorry centromere part 2 is chromosome part 3 is spindle fiber name the stage that follow 1 shown here after that there will be a metaphase stage mention two difference between mitosis and meiosis the number of daughter cells produced in mitosis 2 in meiosis 4 Chromosome number of the daughter cell in mitosis it remains same in meiosis it reduced to half given ahead are three diagrammatic sketches identify the phases the sorry identify the stages a is metaphase b is uh, also metaphase and c is ऑल्सो मेटाफेस तो तीनों ही हमें मेटाफेस दिखा रखे हैं सो क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फेस इट इज़ अ मेटाफेस वॉट इज डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसम शोन हेयर द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसम शोन हेयर आर फोर आइडेंटिफाई वेदर दिज आर एनिमल सेल और अ प्लांट सेल ए एंड बी आर एनिमल सेल बिकॉज ऑफ द प्रजेंस ऑफ सेंट्रियोल एंड एस्टर रेज हेयर एंड बी सी इज plant cell due to absence of esterase or centriole which of these are shown in the correct direction only a only b only a and c all the three in in a only which of these are shown sorry yeah. द आंसर इज फर्स्ट शोन बिलो आर फोर स्टेज ए बी सी डी नॉट इन सिक्वेंस ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ सेल डिविजन अरेंज दैम इन अ सीक्वेंस सो फर्स्ट हमारे पास में आएगा बी क्योंकि वहाँ पर सेंट्रियोल अभी डिवाइड हो रहा है देन वी विल हैव सी देन देयर विल बी डी एंड देन ए इज इट अ प्लांट सेल और एनिमल सेल इट इज़ अ एनिमल सेल गिव टू रीजन्स number one reason is the presence of centriole and asteris the another reason is the it is a spherical in shape it is going in mitosis sorry it is going in mitosis itura hiljata

तो सेल साइकिल में आपको ये कंप्लीट डायग्राम ड्रॉ करना कंपल्सरी है इंटरफेस में भी आप कंप्लीटली डायग्राम ही ड्रा करेंगे बट आपको यहाँ पे ये पोर्शन मेंशन करना ज़रूरी है कि हमारा ये पोर्शन इंटरफेस है एक और बच्चे गलती करते हैं यह एरो मार्क नहीं करते तो हमें ये नहीं पता कि आपका साइकिल कहाँ से शुरू हो रहा है तो साइकिल इंटरफेस का यहाँ से शुरू होता है ये इंटरफेस ख़त्म हुआ है यहाँ से प्रोफेस देन मेटाफेस एनाफेस देन टेलोफेस एंड देन साइटो शुरू हो जाता है right so in this video i would like to discuss this much only and in next video we will discuss further till then take care goodbye